नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूपी से आ रही नशीली कफ सिरप के खेप को अतरेला पुलिस ने पकड़ा। मौके से एक कार जिसमें चार आरोपी भाग निकले, लेकिन नाकेबंदी के बाद एक आरोपी कार और नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा गया है। तराई क्षेत्र की नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई जो अतरेला थाना प्रभारी आरएस बागरी द्वारा की गई है। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन के बाद नशीली कफ सिरप सहित अवैध मादक पदार्थों के कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए दिए गए सख्त निर्देश के बाद आज जिले के अतरेला थाने में कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि यूपी इलाहाबाद से अतरेला थाना होकर मनगवा के लिए आ रही नशीली कफ सिरप की खेप को अतरेला पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो वाहनों में एक एक्सक्यूवी 500, दूसरा सफेद कलर की कार, उस कार में नशीली कफ सिरप भरकर आ रही थी। मौके से एक एक्सक्यूवी 500 को अतरेला पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरी जो कार है, इस कार में 5 लोग बैठे हुए थे और जैसे ही एक्सक्यूवी पकड़ी गई, कार को लेकर आरोपी भाग खड़े हुए। अतरेला पुलिस ने कार को पीछा करके जब पकड़ा तो गाड़ी छोड़कर सभी आरोपी भाग गए। नशे के कारोबार यूपी से लाकर अवैध नशीली सिरप को पूरे जिले में सप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी अतरेला पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बाद और भी कुछ खुलासे होने की संभावना है, जिसमें 11 बोरी में नशीली सिरप, जिसमें 3217 नग शीशी जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। उक्त आरोपी को अपराध एंड डीपीएस एक्ट, ड्रग्स कंट्रोल एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है। अतरेला थाना क्षेत्र में सूचना थी वर्धा घाटी के पास में कि प्रयागराज की तरफ से कुछ कॉरेक्स वगैरह जो स्मगलर है कॉरेक्स लेके आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके वो कॉरेक्स पकड़ी गई। 2 गाड़ियों में आरोपी थे, एक गाड़ी में तीन। दोनों गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 जो आरोपी अन्य थे वो वहाँ से भागने में सफल हो गए। उनकी तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ये 3217 सीसी कॉरेक्स मिली है 2 गाड़ियों से और अभी आरोपियों की पतासाजी में पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ में कुछ जानकारी और लगी है इसकी चैन जो है कि कहाँ से ये कॉरेक्स लाई जा रही थी, इसके लिए पुलिस टीम अलग से प्रयास कर रही है और आखिरी तक उस बंदे को भी पकड़ा जाएगा जिसने ये कॉरेक्स की सप्लाई करने का प्रयास किया है।